नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हमारी महासंग्राम की टीम जयपुर में है और जयपुर की चुनावी सरगर्मियों पर हम अलग अलग जगहों से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल जी। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लोगों से भी हमने बातचीत की, तो क्या कुछ वो अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि पहला मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, क्योंकि जयपुर के हर एक विकास में कांग्रेस का हाथ है। कोई भी काम उठा करके देख ले जयपुर का, चाहे वो घाटी गुनी के टनल हो, मेट्रो हो, अजमेर रोड की एलिवेटेड रोड हो, दिग्री का अंडर पास हो, ट्रांसपोर्ट नगर की पुलिया हो, सेंटर पार्क हो, बरामदे खाली करवाना हो, आमेर और जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जुड़वाना हो, सज्जन भट्टा बस्ती के मकानों का काम हो, 14,000 पट्टे देने का काम हो, चाहे पेंशन योजना हो, यूँ कहें कि हर एक काम में आपको जो है वो कांग्रेस का हाथ नज़र आएगा। तो नेचुरली हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, जबकि हमको पता है बीजेपी के पास अपने बताने का कोई उपलब्धि नहीं है। उनके पास स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ दिखाने को नहीं है, उनके पास आदर्श गांव दिखाने को कुछ नहीं है। तो जो उनकी योजनाएं थी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि 5 साल जयपुर की जनता ने जिसे सांसद बनाया वो ना तो कभी जनता के बीच में दिखाई दिए। कार्यकाल के रूप में अपने 5 साल जनता ने मुझे देखा है, परखा है, तो जनता के हर सुख दुख में, तकलीफ में, उनके हर संघर्ष में, उनके लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी हूँ। तो जयपुर ने भी मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो हमारे बीच में एक अपनत्व, एक लगाव, एक जुड़ाव है, एक दूसरे के सुख दुख के हम साथी हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़ी बातें हैं जिनके दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता का पूरा प्यार, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मुझे जी। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार की है। लोगों से अगर हम बात करने पहुंच रहे हैं तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनको रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है, और उनकी उम्मीद सरकार से यही है कि रोजगार को लेकर सरकार ज्यादा से ज्यादा काम करे, उसको लेकर क्या कुछ प्लान? मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के शासनकाल में युवाओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है। युवाओं ने यूं कहें कि बहुत ज्यादा विश्वास करके पिछली बार बीजेपी को वोट किया था, उसमें यूथ की संख्या बहुत ज्यादा थी जिसने बीजेपी को वोट किया, उसे बहुत उम्मीदें थी सरकार से, और इतनी बहुमत की सरकार आने के बावजूद आप युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है, जिसका खामियाजा आज युवा भुगत रहा है। कांग्रेस ने हमेशा अपने हर एक वादे को पूरा करने का काम किया है, उन्होंने कभी चुनावी वादे चुनावी जुमले की तरह नहीं गढ़े हैं, जैसे कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, पता नहीं क्या 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 युवाओं को कह दिया। हमारे घोषणा पत्र में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है 2020 तक 24 लाख नौकरियां दी जाएंगी, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और सरकार आने के बाद जनता को दिखाई देगा, क्योंकि हमने जहां जहां जब जब जो वादे किए उन्हें हमने हमेशा कानून बना करके पूरा किया है, तो इसलिए जनता को उस पर विश्वास है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी युवा अगर अपना कोई काम नया शुरू करना चाहता है तो 3 साल तक उसे किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि जब युवा शुरू में अपने काम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना पड़ता है और उस समय उसको अगर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटता है तो कई बार वो उसमें उलझ के रह जाता है और उसका भविष्य वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन 3 साल तक वो अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देकर के उसे आगे बढ़ा सकता है, और उसके बाद वो देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना टैक्स और जो जो उसे पे करना चाहिए वो उसे पे कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है राहुल गांधी जी ने युवाओं को दी है, और हमारी सोच में युवाओं की झलक जो है वो नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर युवा को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरी पार्टी पे विश्वास करके ठगे जा चुके हो, अपने भविष्य का खिलवाड़ कर चुके हो, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि युवा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। साथ ही घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार उनको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं और कांग्रेस इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं करने वाली है, उसको लेकर बीजेपी को तो क्या है कि खुद जो वो करते हैं ना वही उनको नजर आता है सबका। उन्होंने खुद ने चुनावी वादे बोले और फिर खुद ने, सबसे बड़ी बात है, अमित शाह ने खुद ने ही कह दिया कि ये वो वादे तो जुमले थे, हमने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया। तो ये उनकी नीति, उनकी सोच है। कांग्रेस की नीति इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने जब जो वादा किया उसे, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, फूड सिक्योरिटी कानून, खाद्य सुरक्षा अधिकार कांग्रेस ने दिया, अब रोजगार नरेगा के माध्यम से रोजगार
रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर के उन्हें एक अधिकार फिर कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस ने दिया है, जनता ने देखा है कि कैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने हर एक जो अपना वादा किया है, जुमले बीजेपी करती है, कांग्रेस तो अपने वादों को कानून का रूप दे देती है जिससे कि वो हमेशा जनता का एक हक बन करके हो जाए। आज राइट टू अगर एजुकेशन है तो वो जनता का हक बन गया है। हमने उस समय भी कहा था शिक्षा को हम इस तरीके से लागू करेंगे कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा मुहैया हो सके, उसे हमने कानून बनाया जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। अभी राइट टू हेल्थ है, उसको हम कानून बना करके देने वाले हैं। सरकार ने जब जहाँ जो घोषणाएं की हैं वो हमेशा पूरी की हैं, तो हम क्यों देखिए, मैं मुझे तो ऐसा लगने लगा है बीजेपी जैसा खुद है ना वैसा दूसरों को सोचने लगी है, और उनकी नीति और नियत है ना वो उनके दूसरों के किए गए वक्तव्यों में साफ तौर पे नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अब ये ज़्यादा ढकोसले और ये चुनावी वादे और ये जुमले और ये झूठ ये सब चलने वाले हैं, जनता को समझ में आ गए हैं। तो जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? ये संदेश देना चाहूंगी, बीजेपी सिर्फ जिस तरीके से व्यवहार कर रही है कि जैसे वो खुद केवल राष्ट्रवादी और पूरे देश को उसने देशद्रोही बना दिया है। महिलाओं के पास जो उनकी बचत थी उसको उसने काला धन बना दिया है। वो व्यापारियों के लिए स्टेटमेंट देती है कि चोरी और मुनाफाखोरी इस देश के व्यापारियों की, इस देश के व्यापारियों की आदत है। तो ये जो उनके स्टेटमेंट जो हैं इससे आप समझिए कि बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी किस तरह से देश को तोड़ने में लगी हुई है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे तोड़ने में लगी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ने जिस तरह 70 साल में अपने इस लोकतंत्र को मजबूत किया है, विश्व के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है, उस पर जो आज बीजेपी चोट कर रही है उसका करारा जवाब जनता देगी, क्योंकि ये जनता का शासन है और जनता को अपना शासन चुनने का पूरा हक है। चलिए ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ज्योति खंडेलवाल जी, जो कि पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं कि जनता का पुरजोर समर्थन उनके साथ रहेगा। अब जनता उनको कितना समर्थन देती है देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला.com।